हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज वीकली एक्सपायरी का दिन और ये 5 मिनट का चार्ट आप देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त वोलेटिलिटी आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिली। 5 दिन के बाद निफ्टी हरे निशान में बंद हुआ है, खास बढ़त नहीं है, हल्की सी बढ़त के साथ बंद हुआ है। तो ये 5 मिनट का चार्ट आज कुछ इस तरह से देखने को मिला। कल का वीडियो अगर देखना है तो ऊपर ये आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो जैसे कि हमने लेवल्स कल मार्क किए थे, आप देख सकते हो ब्रेक डाउन लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट अचीव हुआ, ऊपर गया तो ब्रेकआउट लेवल ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टारगेट के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया तो ब्रेक डाउन लेवल फर्स्ट टारगेट फिर से अचीव हुआ। एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा था, तो जो लेवल्स हमने मार्क किए थे फिर एक बार अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यहाँ पर काम करते हुए नजर आए। अभी कल के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं अगर हम मंथली चार्ट को देखें, तो जैसे कि हमने लास्ट 2-3 वीडियोस में बात कही थी कि ये जो ग्लोबल इशू हुआ है यूएस में भी देखें तो SVB बैंक कोलैप्स होने से यूरोप में भी उसका असर देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ हमारे भारतीय बाजारों में भी। तो अभी सपोर्ट के लेवल्स कहाँ पर आ सकते हैं इसको देखते वक्त ये जो मंथली चार्ट है उसका जो 20 EM है इसी के पास ही आ चुका है, जहाँ पर 16,850 के आसपास ये पिंक लाइन है। आज लो भी 850 का ही लगाया है एग्जैक्ट, तो ये मेजर सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो निफ्टी में हमें और भी ज़बरदस्त फॉल आता हुआ देखने को मिल सकता है। टेक्निकली हम कह सकते हैं कि अगर ये पिंक लाइन को तोड़ देता है, नीचे क्लोज होता है वीकली चार्ट में, तो हम कह सकते हैं कि भाई निफ्टी में यहाँ पर एक ज़बरदस्त फॉल आ सकता है। तो मंथली चार्ट में अभी ये सपोर्ट के पास है, लेकिन हम वीकली चार्ट में देखें तो जहाँ से कुछ महीनों पहले यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ था 16,750, ये वो लेवल है, ठीक है। अभी इसके पास ये 100 पॉइंट अभी यहाँ पर डिफरेंस है, तो यहाँ पर 100 EMA का भी एक ग्रे लाइन आ रहा है जो कि पास्ट में अच्छे से सपोर्ट का काम करते हुए नज़र आया। तो अगर 850 टूटता है तो हो सकता है इस लेवल को ये पेनेट्रेट करे और फिर बाउंस बैक हो। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि मंथली चार्ट में ये पिंक लाइन टूटता है और उसके बाद वीकली चार्ट में ये ग्रे लाइन जो कि अराउंड अभी 16,750 के आसपास ये आ सकता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट हो सकता है। ये टूट जाता है तो निफ्टी में हमें और फॉल देखने को मिल सकता है, बाउंस बैक होने की ये लेवल से उम्मीद की जा सकती है। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं, अभी आप देख सकते हो सेम पैटर्न बना हुआ है। कुछ दिनों पहले अगर आप देखोगे तो ये RSI जो है ये 0 to 30 ये जो ओवरसोल्ड जोन है उसमें पहुंच चुका था। जब ये ऊपर जाने लगा और हायर हाइज बनाने लगा, हायर बॉटम्स बनाने लगा, तो हमने प्राइस एक्शन में देखा किस तरह से फ्लैट पैटर्न चल रहा है, लेकिन RSI जो था वो हायर बॉटम्स बना रहा था और उसके बाद ये ज़बरदस्त अपसाइड मूव हमें देखने को मिली। अभी सेम पैटर्न यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहा है, RSI 0 to 30 के बीच में पहुंच चुका है और यहाँ पर देखिए राइजिंग बॉटम्स बनाना शुरू हुआ है और प्राइस है कि यहाँ पर लोअर बॉटम्स बना रही है, तो ये सिग्नल दे रहा है कि भाई यहाँ पर बाउंस बैक आ सकता है। तो जो हमने अभी सपोर्ट के लेवल्स देखे मंथली और वीकली चार्ट में, हो सकता है उन लेवल से ये बाउंस बैक करे, तो हमें वेट करना होगा। जैसे ही ये 20 ये पिंक लाइन है आर्ली चार्ट में इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ बढ़ेगा तब हम एक यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, बाउंस बैक हो सकता है जिस तरह यहाँ पर हुआ था। जैसे ही 20 को क्रॉस किया हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला। तो अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं, कल के लिए हमारा जो ब्रेकआउट लेवल होगा, आज आप देख सकते हो 2 बार इसी लेवल के पास आके ये आर्ली चार्ट में क्लोज हुआ है, इसके ऊपर ये ब्रेक क्लोज होने में फेल हुआ है। तो यहाँ पर कल के लिए हमारा ब्रेकआउट लेवल सेम होगा 17,018 और कभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये पिंक लाइन जो कि अराउंड 17,051 के पास है और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 17,082। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो ब्रेक डाउन लेवल भी हमारा सेम होगा 16,937 और फर्स्ट टारगेट कभी बनेगा 16,908 और सेकेंड टारगेट होगा 16,881। तो ये है निफ्टी के लेवल्स कल के लिए। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं, बैंक निफ्टी में भी काफ़ी वोलेटाइल मूव आप देखने को मिला, ब्रेक डाउन लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट अचीव हुए, ऊपर गया नीचे आया, फर्स्ट टारगेट के पास सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ, ऊपर भी सेकेंड टारगेट ऑलमोस्ट अचीव होते होते रह गया, एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास इसने रेजिस्टेंस फेस किया है।
अभी कल के लिए क्या बैंक निफ्टी में इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं, इसके लिए 60 मिनट के चार्ट को एनालिसिस करेंगे। ये रहा 60 मिनट का चार्ट। कल के लिए हमारा बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट लेवल जो होगा, ये पिंक लाइन को अगर ब्रेक करके आगे बढ़ता है यानी 39,319, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट तभी बनेगा अराउंड 39,480 और सेकेंड टारगेट बनेगा अराउंड 39,621। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो जस्ट हमारा ब्रेकडाउन लेवल जो है आज का, जहाँ पर एक स्विंग लो बना है, यहाँ से बाउंस बैक हुआ है, तो 38,895 ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट का भी बनेगा अराउंड 38,768 और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 38,620, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।